हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी वी के यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे हम बात करेंगे, देखिए GDS जो ग्रामीण डाक सेवक थी और वेस्ट बंगाल सर्कल की, वो फिर से एक बार आई हुई है। देखिए, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था वो अपने ओल्ड एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना चाहिए, वहाँ पर लिखा हुआ कि ओल्ड कंडीशन अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो फीस पेमेंट की आईडी उसके सबमिट के साथ अपने जो पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सारे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले अप्लाई नहीं किए थे वो फ्रेश से रजिस्ट्रेशन कर ले। तो सारे प्रोसेस को देखी जाएगी मेरे वीडियो के माध्यम से। देखते रहे, आप बने रहे, लास्ट तक देखते रहे वीडियो को, सारा कुछ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए टाइप करना होगा यहाँ पर ap post.gov। इस प्रकार से आप यहाँ फर्स्ट वाले देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा आपको। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं जो वेस्ट बंगाल सर्कल की है। तो यहाँ पर यदि आप फ्रेशर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपने फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सारे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। और यदि आपने ऑलरेडी एक बार और आया था उस समय आपने इसको अप्लाई किया तो आप ओनली रजिस्ट्रेशन आईडी और फीस आईडी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक वेरिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है यदि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल अप कर देता हूँ आएगा। यदि आपने देखिए OTP सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ करनी होगी। तो चलिए मैं अपने फी के आईडी को सबमिट कर देता हूँ। फी के आईडी और उसके बाद आपको सर्कल यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना सर्कल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया है उस OTP को आपको यहाँ सबमिट करना होगा। चलिए अपने OTP को मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। OTP को यहाँ पर पुट करने के बाद सब नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड दैट show my all the details which was when it was published. Okay, you can see that. तो फ्रेंड देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने सबमिट किया था सारे डिटेल्स दिखा रहा है कि आप जो है ऑलरेडी सबमिट किए, आपको यहाँ पर फ़ी भी नहीं लगेगा। फ़ी आप जो पेड किए तो उसी फी से यहाँ हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपको एड्रेस पुट करना होगा, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं उनका एड्रेस चेंज हो जाता है आपका परमानेंट एड्रेस से प्रेजेंट एड्रेस में। तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। अपने एड्रेस को फिलअप करने के बाद प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई हैव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिंट एप्लीकेशंस करके आपको हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपना फीस आईडी नहीं मिल रहा होगा या एप्लीकेशन नंबर उनका नहीं मिल रहा होगा कि मैंने अप्लाई किया है कि नहीं, तो कैसे जानेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। यदि आप कि
एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले या फिर इसकी आईडी नहीं मिले तो आपको कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यदि आपको अपना फी का जो आईडी आपने लास्ट टाइम पेमेंट किया वो नहीं मिल रहा या फिर आपको अपना एप्लीकेशन या रजिस्टर नंबर नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिस आईडी, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि जो कैंडिडेट लास्ट टाइम जो मोबाइल नंबर दिए हैं और अभी उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन और फीस आईडी से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छी जो काफ़ी अच्छी यहाँ से इंडियन पोस्ट वालों ने लिंक प्रोवाइड की है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फीस आईडी आसानी से मिल सकता है यदि आपको लास्ट वाला नहीं मिला है जो आपने लास्ट टाइम जीडीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई किया था वेस्ट बंगाल सर्कल में नहीं मिला है तो भी हो जाएगा आपका, और मोबाइल नंबर यदि आपका चेंज हो गया तो वो भी आप यहाँ से हो सकता है। देखिए मैं फीस आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर को देख लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना होगा, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना होगा और कौन से ईयर में आपका जो माध्यमिक पास है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। देन सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, किस कैटेगरी से आप अप्लाई, सारे कुछ आ जा रहे हैं और फी के डिटेल्स भी आपको यहाँ से आपके मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, फी के डिटेल और कब आपने पेड किया था, तो ये आपको सब प्राप्त हो जाएगा और आप आसानी से वेस्ट बंगाल सर्कल की जो आई हुई है जीडीएस की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ 4 मई को है, तो आप जल्द से जल्द ये कर लें। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट के में पूछ सकते हैं, मैं आपके पूरी हेल्प करूँगा। तो जल्द फटाफट आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। यदि आपने लास्ट टाइम किया था उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, न्यू से आया हुआ है, सिर्फ जो लोग अप्लाई किए थे लास्ट टाइम ऑलरेडी वो सिर्फ अपडेट कर ले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिस आईडी से, और जो लोग नहीं किए तो वो फ्रेश से रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था, आगे के प्रोसेस यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं ज़रूर बता दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों कीप वॉचिंग एंड स्टे विथ अस माई स्टडी वी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।